से अपील कर रहे हैं कि आप सर देखो कि हमारे आंगनवाड़ी वर्कर वो हेल्परों से के साथ क्या हो रहा है क्या यहाँ के अफसर कर रहे हैं और दूसरी बात जो यहाँ मेडिकल वो बैठा हुआ है जो हेल्परों का टेस्ट लेता है उसमें जो साठ साल की होती है से भी ज़्यादा जो उसकी एज होती है वो अभी ऑन ड्यूटी में है जो पचास साल की आंगनवाड़ आंगनबाड़ी हेल्पर है उसको निकाला गया है ये बोर्ड बदलना चाहिए और उस पर एक्शन होना चाहिए जो पार्लियामेंट में एर एस का जो सीनियर लीडर जो उसने हमारी मांग पर आवाज़ उठाई हम उसको शुक्रिया कर रहे हैं शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने हमारी जो डिमांड है आपने पार्लियामेंट में रखा है राज्यसभा में रखा है हम आपके लिए शुक्रिया कर रहे हैं हम मोदी जी से अपील करें कि उस बात पर गौर करें हमें तनख्वाह बढ़ाया जाए और जो बाकी स्टेटों में मिल रहा है वह हमें भी मिलना चाहिए उस ता, उसको तहकीकत किया जाए और जो वो वहाँ बेंच बैठा है वो वहाँ नहीं रखना चाहिए और नया बेंच बैठना चाहिए। जितनी आंगनवाड़ी हेल्पर रिटायर हुई है उनको नए नए सिरे से उनको टेस्ट होना चाहिए क्योंकि मैं जब ये बात आला हुकाम तक पहुँचे वो मुझे बुलाए मैं उनकी उनकी तरफ जहाँ जहाँ गलती हुई है मेडिकल बोर्ड को वहाँ हम दिखाएंगे उनको हम दिखाने के लिए तैयार है हमारे पास है वो 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 टिकट्स हमारे पास है वो